हाय फ्रेंड, आई एम देवव्रत अधिकारी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बंगाल, कोच बिहार, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोच बिहार। तो दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं देवव्रत अधिकारी आज आप लोगों के सामने कंप्लीट एक ऑप्टिकल इंजन का पूरा खोलकर साफ करने का टेक्निक दिखाऊंगा। सर्विस सेंटर भी बोलता है ये पिक्चर धुंधला होने के बाद इसको बदलना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ भाई, बदलने से पहले एक बार प्राइमरी ट्रीटमेंट तो कर लो। ये काम वो लोग करता नहीं है, क्योंकि उस सर्विस सेंटर में आज एक लड़का आया तो 2 महीना 3 महीना या 1 साल रह कर फिर चला जाएगा दूसरा जगह, और उसको तो तनख्वाह मिलता है, उसको कस्टमर का चीज़ उतना मगजमारी के कर कर फायदा किया। और जब वारंटी पीरियड में अगर होता है तो दूसरा पीस एक लगा देता है, लेकिन सब नहीं करेगा। इंडिया का आदमी इतना आलसी है, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, तभी इंडिया इतना पीछे पड़ा हुआ है। आप काकरा मछली जानते हैं ना, बैकग्राउंड में देखिए काकरा मछली। ये काकरा मछली अगर एक अकेला छोड़ देंगे ना, एक काकरा को अकेला छोड़ देंगे तो दौड़ कर भागेगा, आप उसको रोक ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, तेजी से भागेगा, आपको उसको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर 2 काकरा या 10-20 इतना काकरा एक ही साथ में देख पा रहे हैं ना, कोई भी काकरा भागेगा नहीं, उसको ढकने की भी जरूरत नहीं है। क्या होगा, एक काकरा जब भागने के लिए कोशिश करेगा, दूसरा उसको टांग में पकड़ेगा, अरे भाई किधर जा रहा है, हम लोग यहीं पे खेल रहे हैं, यहीं पे है, रह जा, भागने का जरूरत नहीं है, वो टांग खींच के वहाँ पे ले लेता है। तो इसलिए इंडिया का आदमी ना जो ऊपर उठने का कोशिश करता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं दूसरे को नहीं बोलूँगा, मैं मुझे ही आप मान के चलिए, मैं जब रेलवे का जगह में था 22 साल, रेलवे का जगह में फुटपाथ का, देखिए ये ऐसा दुकान था। जानकारी लेना जरूरी है तो प्रोजेक्टर का नॉलेज दिमाग में घुसेगा दोस्तों, इसीलिए जगाने का कोशिश कर रहा हूँ, मल्टी नॉलेज लेना जरूरी है। पहली बार मैंने रेंट में एक किराया का दुकान लेकर दुकान खोला था, तो दुकान में पहला पूंजी था 625 रुपये वाला कैमरा और एक टूटा फूटा साइकिल। जब भी दुकान खोला पहला दिन 20 रुपया वो नहीं हुआ था दुकान में, स्टूडियो खोला था, सोचिए नसीब। तो जब उससे वहाँ से थोड़ा डेवलप किया, 26,000 का प्रॉपर्टी हुआ था, 27,000 ऐसा कुछ प्रॉपर्टी हुआ था, एक नया साइकिल भी हुआ था। दिन के दिन एक ठग ने मुझसे वो सारा छीन लिया, एक ठग किसी भी तरह, मैं दुकान में नहीं था, एक लड़का को बैठा कर थोड़ा इधर उधर गया था, वो 10 मिनट के अंदर वो लड़का से सारा हड़प कर ले गया था। मैं फिर भी एकदम जीरो हो गया था, एक पैसा नहीं था उस दिन, वो साइकिल भी ले गया, मेरा पूंजी भी ले गया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा था, जो भाई मेरा तो कुछ था नहीं, तो फिर कर लूँगा, उसमें रोने का किया है। तो फिर मैंने वहाँ से फिर उधारी लेकर 125 रुपया कैमरा लाया, किसी का एक टूटा फूटा साइकिल धार लाया, काका मुझे दीजिए, मैं थोड़ा, वो भी देखा मेरा घर का बगल में यह किराएदार है और इसके साथ ये हो चुका है, भाई ले लो भंजा, ले लो तुम, चलो कोई बात नहीं। तो ही टूटा फूटा साइकिल से फिर मैं चल कर दुकान को जब खड़ा कर रहा हूँ, दुकान में जब एक के बाद एक पूंजी बढ़ रहा है, तो उसका घर का मकान का मालिक है, मुझे बिजली का बिल इतना देना पड़ेगा, मुझे रेंट बढ़ाना पड़ेगा, डबल करो रेंट का, बहुत मगजमारी कर रहा था, मुझे टांग खींच रहा था, क्योंकि जो सक्सेस है उसको सहन नहीं होता था, सोचिए। तब जाकर मैंने वहीं से उल्टी जगह पे एक रेलवे का, किसी का दखल में था रेलवे का जगह, उसको मैंने 10,500 रुपया से उससे दखल मैंने ले लिया, लेकिन वहाँ पे जाकर बिजली कोई नहीं दे रहा था, बिजली बिना बिजली का तो, बिना कारण का तो दुकान नहीं चला सकता स्टूडियो, फिर भी इतना आदमी टांग खींचा, भाई इसका दुकान वहाँ पे ना हो पाए, बहुत कोशिश किया, लेकिन कोशिश का नाम जिंदगी, मैं भी हिम्मत नहीं आ रहा था। तो बाद में एक आदमी को बहुत समझा बुझा कर राजी किया, आपका घर का इलेक्ट्रिक का बिल पूरा जिम्मेदारी मेरा, अगर आपका सर पर कुछ भी प्रॉब्लम होगा मेरा सर काटाऊंगा, आपका सर काटने नहीं दूंगा। तब तो जाके बंदा राजी हुआ, ले लो बिजली तुम अब अटैक कर लो। फिर इलेक्ट्रिक को बीच में बोलकर मैंने परमिशन लाकर वही रेलवे का जगह में 22 साल रहा था, जो दुकान ये है
देख पा रहे हैं, 22 साल रेलवे का जगह का। तो वहाँ से देखिए धीरज से काम करते 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 सीखते सीखते आज ऊपर वाला ने कहाँ पे पहुँचा दिया। ये मेरा बहादुर नहीं है, आतंक नहीं है, मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मेरा एक इशारा अगर किसी का दिमाग में बैठ जाए भाई ये बंदा कर सकता है तो मैं नहीं क्यों कर पाता, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, 100% कर पाएंगे और आपके साथ मैं हूँ। जो नॉलेज मुझे हुआ है इस नॉलेज से करोड़पति नहीं आप बिलियनियर बन सकते हैं, मैं भी बनूंगा आप भी बनेंगे। हाथ फैला हुआ है पकड़ लीजिए, प्रोजेक्टर मॉल का टीम में आ जाइए, सोचिए वर्ल्ड वाइड बिजनेस करेंगे वर्ल्ड वाइड। जब ब्रेन राजी हो गया, ब्रेन रेडी है तो पूरा कायनात साथ देगा। आदमी का दम नहीं है अभी मुझे निगेटिव देकर मुझे और पीछे भगाए, क्योंकि मैं खुल्ला काकरा हो गया, खुल्ला काकरा, मुझे और बनने का किसी का काकरा का बाप का दम नहीं है, मुझे पीछे टांग खींचे ऊपर वाला भी मुझे साथ देगा। तो मैं सोचा ये प्रोजेक्टर के ऊपर इतना फ्रॉड बिजनेसमैन बिजनेस करके आदमी को लूटने का कोशिश कर रहा है, गुमराह कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ वो हरामी का औलाद गाली देकर बोल रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि ये इतना फ्रॉड है, ये फ्रॉड सहन ना करते करते मैं ब्रेन से राजी हुआ हूँ भाई, मुझे प्रोजेक्टर का काम सीखना है, खुद से सीखना है, कोई सिखाएगा नहीं। तो मैं खुद से जब सीखा प्रैक्टिस करते करते ये दिसंबर जनवरी में 24 साल होगा 2023 में, सोचिए कब से मैंने शुरू किया था। मैं चाहता हूँ हर घर में ये प्रोजेक्टर का नॉलेज फैल जाए और हर व्यक्ति हेल्दी और वेल्दी बन जाए। हेल्दी बनने का इनस्क्रीन में जो मैं वीडियो डाल के रखता हूँ, कलयुग का अमृत, एनी डिजीज वन सॉल्यूशन, लाइफ, ये हर रोज खाइए फार्मूला सीखने के बाद। अगर आप फार्मूला सीखने के बाद भी रॉ मटेरियल जुगाड़ नहीं कर पाते मुझसे लेने का कृपया ज़रूर कीजिएगा। मेरा ऑलरेडी 2-4 डब्बा बाहर बाहर स्टेट में जा रहा है, शुरुआत है जस्ट। मैं बिजनेस करने के लिए ये अवेयरनेस नहीं दे रहा हूँ, सही में अगर बिजनेस करने के लिए अवेयरनेस देता मैं सीक्रेट नहीं बोलता क्या क्या इंग्रेडिएंट दिया हूँ, सारा देख लीजिएगा स्क्रीन में है। और फिर भी आपको लगे ना आप नहीं कर पाएंगे तो मुझसे लेने का कृपया ज़रूर कीजिए, आपका जीवन में कभी बीमारी बोलकर कुछ नहीं रहेगा, आपका एक पैसा डॉक्टर नर्सिंग खा नहीं पाएगा। चलिए अभी इसका मुद्दा दिखा दिखा कर हेल्थ के साथ कितना रिलेशन है एकदम समझाऊंगा, साथ में रहिए। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इंजन, कंप्लीट ऑप्टिकल इंजन, इसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे करवाना है, मेरा इसका तीसरा पार्ट है एप्सन EVS-41 के ऊपर। लेकिन ये सेक्शन आप सीख गए 90% एप्सन प्रोजेक्टर आप बना पाएंगे, ये मेरा गारंटी है, मेरा गारंटी है दोस्तों। तो इज्जत के साथ ऑनेस्टी के साथ दूसरे का भला करता जाइए, आपका नॉलेज शेयर कर दीजिए हर व्यक्ति को, और ये वीडियो भी हर व्यक्ति को शेयरिंग करना है, क्योंकि ये चैनल का मूल कॉन्सेप्ट है योर हेल्थ एंड वेल्थ कंप्लीट केयर मैनेजमेंट प्लान, कोई आगपा नहीं फैला रहा हूँ। और सबसे पहले जो काम है हमारा धरती माता वसुंधरा को ऑर्गेनिक बनाना है, ये धरती माता वसुंधरा है सर्वशक्तिमान वर्ल्ड का, इससे पावरफुल कुछ नहीं है, ईश्वर वाला मालिक भगवान गॉड सब कुछ यही मिट्टी है, ये मिट्टी को पूजन कीजिए। मिट्टी में रासायनिक फर्टिलाइजर और स्प्रे मिट्टी का हानि पहुँचता हुआ काम इसमें गलती से भी ना कीजिए, अगर करेंगे आपका जनरेशन में धूप दीप देने वाला भी कोई नहीं बचेगा, सुधर जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये धरती माता है सर्वशक्तिमान, इसी धरती माता के ऊपर पेड़ पौधा होता है, वही पेड़ पौधा के ऊपर हमारा जान टिका हुआ होता है, एकदम इक्वल टू इक्वल इजीली समझा दिया। तो ये मुद्दा कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टर मॉल का, आदमी को जगाने का एक भूमिका लिया हूँ। और दूसरा भूमिका है इंडिया चाहे तो रिसर्च कंट्री हो सकता है, वर्ल्ड में नंबर वन रिसर्च कंट्री इंडिया, तो वो भी मुमकिन है, उसके लिए आपको फेसबुक को लात मारकर भगाना है, और फेसबुक के जगह मॉल 91। अगर आपको जानकारी चाहिए इंटरेस्ट है मेरा वीडियो में पहले लाइक और कमेंट्स करेंगे, मैं देखूंगा हाँ आपका नाम का लाइक और कमेंट्स आया,
उसके बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। कॉल करेंगे आपको मैं फ़ोन पे पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। सीखने के बाद आप हर रोज़ मिनिमम 1000 रुपया कमा सकते हैं ऑनेस्टी के साथ घर बैठे। नो मनी मार्केटिंग, नो नेटवर्किंग, नो प्रोडक्ट सेलिंग, नो चिक चिक झिक झिक, किसी को तेल लगाने का ज़रूरत नहीं है भाई। आ जाओ, सीखना पड़ेगा, सोच बदले जिंदगी। ठीक है दोस्तों, कम्युनिकेट कीजिए। चलिए आज इसका सीक्रेट एकदम चाय के साथ घोल के खिला दूंगा। ये कैसे साफ करना है, कैसे लॉन्ग लास्टिंग करेगा, पार्ट नंबर 3। ऑप्टिकल इंजन कैसे साफ करना पड़ेगा, कैसे लॉन्ग लास्टिंग कराना पड़ेगा। इससे पहले का वीडियो में भी मैंने बताया हीट कैसे क्रिएट होता है। हीट क्रिएट होने के बाद ये प्रिज्म जल जाता है। फिर ये जब खोलेंगे, जिस रूम में खोलेंगे सफ़ेद लाइट होना ज़रूरी है। पीला, नीला, रेड, कुछ भी कलर रहेगा तो ये तुरंत जल जाएगा। समझ में नहीं आएगा जला है, समझिए टॉपिक को। तो और जब ये पूरा प्रोजेक्टर खोलेंगे, आपका बॉडी अर्थिन में ना हो, ये भी ध्यान में रखना है। हो सके तो ग्लव्स लगा ले, ठीक है ना। प्रोजेक्टर का काम करने के लिए इतना ऑनेस्टी आपको परखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखिए, दिमाग में सेव हो जाएगा। अभी देखिए, कोई कोई ऑप्टिकल इंजन में नाट रहता है, ऊपर स्क्रू रहता है, स्क्रू खोलने के बाद ऊपर से ढक्कन उठता है और ज़्यादा से ज़्यादा में लॉक रहता है। ये लॉक खोलने का टेक्निक देखिए, एकदम नज़दीक से देखिए। हल्का से माइनस स्क्रू ड्राइवर फंसाएंगे, हल्का से ऊपर करेंगे, देखिए खुल गया। फिर जितना लॉक है ये देखिए फंसाया, हल्का से ऊपर करेंगे, ज़्यादा जोर से नहीं, इजीली। ये देखिए खुल गया, टक करके आवाज़ होगा। ये देखिए खुल गया। अभी जितना स्क्रू है, अगर स्क्रू है तो वो स्क्रू भी हटा लेना है, और ये जो केबल है यहाँ पे फंसा हुआ वो भी हटाना है, नहीं तो वो ढक्कन नहीं उठेगा। देखते हैं खोला या नहीं खोला। धीरे धीरे सबको उठा देना है। ये स्क्रू है, ये स्क्रू भी खोल लेना है। देखिए इसमें दोनों है, स्क्रू भी है, तो स्क्रू भी खोलना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं खोलेगा। मैंने फॉलो नहीं किया था। ये 3 स्क्रू था, खोल लिया। अभी धीरे से ट्राई करना है। सामने से अगर कैमरा साफ करना है तो कैमरा खोलने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना ये बाहर वाला ये नाट को खोल देना है। देखिए 4 नाट है, ये 4 नाट खोलते ही ये कैमरा भी बाहर आ जाएगा। जब काम करना है एकदम सिंसियरली कंप्लीट ही करना है, आधा अधूरा काम नहीं करना है। आप जो काम जानते हैं जो वो करना ही करना है, आधा अधूरा काम करके कस्टमर से पैसा लेंगे ऊपर वाला नाराज होगा। ये देखिए पावरफुल स्क्रू ड्राइवर होना ज़रूरी है। ये जो स्क्रू गिर रहा है ये कैसे रहता है मैं दिखा दूंगा बाद में, साथ में रहिए। कहाँ पे रहता है ये गिरेगा और ये खो ना जाए, खो जाए तो बाद में स्क्रू वहाँ पे लगेगा ही नहीं, स्क्रू उसी में फंसता है, स्क्रू का नाट है वहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए ये प्रिज्म यूनिट के साथ ये ग्लास भी आ गया। अगर प्रिज्म यूनिट को अलग करना है ये 4 नाट को खोल देना है। ये यहाँ पे 1 2 ये इधर 4 नाट है, ये 4 नाट खोल देने से ये कैमरा अलग होगा और ये प्रिज्म यूनिट अलग हो जाएगा। पूरा सीक्रेट को जानना ज़रूरी है। और यहाँ पे आप कैसे साफ करेंगे, टिश्यू पेपर से अगर करेंगे फिर भी क्रैश पड़ने का चांसेस है। सबसे पहले हवा मारना है, गर्म हवा नहीं, ठीक है, नॉर्मल हवा, पहले हवा मारना है। उसके बाद आँखों में जूम लेंस लगाकर, मेरे पास सारा इंतज़ाम है, बढ़िया से देख देख कर कैमरा साफ करने का, वो कैमरा का जो स्पेयर मिलता है जिस दुकान में, उस दुकान में ऐसा कपड़ा वेलवेट टाइप का कपड़ा मिलता है, इतना बड़ा बड़ा रुमाल आता है, ये
साफ करने के लिए। और आज मैंने लेकर नहीं बैठा, भूल गया था, नहीं तो मैंने दिखा देता, दूसरा वीडियो में मैंने दिखा दूंगा। इससे पहले एक वीडियो मैंने दिखाया था, और लेदर का चामड़े का इतना बड़ा बड़ा रुमाल जैसे आता है ग्लास को साफ करने का, वही चीज़ आपको चाहिए। टिश्यू पेपर से करेंगे क्रैश पड़ने का चांसेस रहेगा। सीक्रेट को समझना है और काम करने से ऑनेस्टी से करना है, तभी काम सही होगा। तो ये भी अगर खोलेंगे ना, यहाँ से भी वॉशर गिरने का चांसेस है। तो वो वॉशर कहाँ पे रहता है मैं दिखाऊंगा फिटिंग करने के टाइम। सबसे पहले मैं ये अभी खोल लेता हूँ, साथ में रहिए, ऊपर से ये हटाना पड़ेगा, नहीं तो हम अगर बाहर नहीं कर पाएंगे ये तो साफ कैसे करेंगे। जहाँ जहाँ पे अटक रहा है आपको फॉलो करना है, कहाँ पे अटक रहा है। अगर स्क्रू है बीच में तो खोलेगा नहीं। टोटल कितना लॉक होता है एकदम काउंटिंग करके मैं देता हूँ, याद रखिएगा। ये अंदर, ये जब ये खोला, ये खोलने के बाद इधर भी अंदर भी दो लॉक है, ये दो लॉक को उठाया, इधर बाहर वाला में चार है, इधर एक और ये यहाँ पे दो, ये चार, तो यहाँ पे दो छः। छः लॉक जब खोलेंगे तभी ये टोटल पार्ट बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। मैं चाहता हूँ आप पूरा याद करके ये पूरा पार्ट को खोलकर साफ कर पाएंगे। ये देखिए धीरे से उठ गया, हड़बड़ी नहीं करना है, और ये गलती से भी नहीं उठाना, ये एकदम परमानेंट सेटिंग के साथ है। किसी किसी में स्क्रू रहता है, इसमें एकदम पेस्ट करके दिया है, ये गलती से भी उठाना नहीं, याद रखिएगा। ऐसे ही आपको साफ करना है। फिर अंदर जितना ग्लास है, देखिए जो जो उठेगा, ये देखिए बढ़िया से। अभी आपको लाइट जलाकर दिखा देता हूँ यहाँ पे कितना कलर का ग्लास है, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कितना कलर का ग्लास है, देखिए बढ़िया से शांति से देखिए। बीच वाला ग्रीन, देखिए ये ग्रीन, येलो येलो लगता है, ये ग्रीन, ये रेड, ये इस साइड वाला रेड है, देखिए रेड कलर दिख पा रहा है इधर, और इधर वाला है ब्लू, ये इधर ब्लू कलर तैयार हुआ है, ठीक है। चलो आर जी बी, मतलब रेड ब्लू ग्रीन, यहाँ पे तीनों कलर का ही ग्लास है। मैं खाली आंखों में एकदम बढ़िया देख पा रहा हूँ, देखिए सुंदर कलर तैयार हुआ है, इधर रेड, इधर ब्लू, और इधर ये देखिए हिलता भी है, ये फोकस ऑलरेडी क्रिएट हो गया। और यही यहाँ पे जो कलर आता है, यही कलर वो प्रिजोमिनिट, ये इसको बोलते हैं प्रिजोमिनिट, ये प्रिजोमिनिट मेन बोर्ड में कलर सप्लाई कर वहीं पे पिक्चर बना देता है, ऐसा है टेक्नोलॉजी। लेकिन ये फ्लिप जल्दी बिगड़ जाता है, इसीलिए प्रोजेक्टर जल्दी खराब हो जाता है। देखिए कितना सुंदर फोकसिंग दे रहा है, ठीक है ना। प्रोजेक्टर का मेन फंडा किया है, टेक्निक किया है, यही टेक्निक से प्रोजेक्टर चलता है। तो आप जब ये समझ जाएंगे, और यहाँ पे मान के चलिए एक ग्लास अगर एक मिरर, जैसे हम मुंह देखते हैं ना मिरर, उसको ऐसे ही ओपन 6 महीना रख कर देखिए, उसको साफ सुफ कहीं कभी नहीं करेंगे, 6 महीना रख कर देखिए, वो एकदम पूरा ऐसा ऐसा कलर भी उठ जाएगा, इतना फोगी हो जाएगा 6 महीना। तो ये धूल धुआं ये प्रोजेक्टर को कितना बिगड़ देता है, धूल और धुआं, ये प्रोजेक्टर का बिगड़ने का मुद्दा कॉन्सेप्ट है धूल और धुआं। जैसे आदमी का 2 रीज़न से बीमार पड़ता है, किसने बोला, डॉक्टर लाइनस पोलिन ने 5 साल रिसर्च करके 2 बार नोबेल पुरस्कार ले चुका है। क्या झूठा बात को गवर्नमेंट नोबेल पुरस्कार दिलाता है, नहीं दिलाता, बात सही था। क्या बोला, पहला रीजन है मेल न्यूट्रिशन, आदमी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना न्यूट्रिशन आज नहीं मिल रहा, क्योंकि वो प्रोडक्ट आर्टिफिशियली किया है, रातों रात यूरिया डीएपी पोटास ग्रोमर पेस्टिसाइड फंगिसाइड कितना कुछ मगजमारी कर उसको रातों रात बड़ा किया है, इंजेक्शन लगाया, सोयागा स्प्रे किया, आज इतना बड़ा फूल को भी थोड़ा स्प्रे मार के दिया गया सुमंतर सुबह इतना बड़ा, अरे गोबर खत का फूल को भी है सर, ले जाइए एकदम लोकल है, बोलकर आपको खिला देगा, ठीक है ना। आज फूल को भी का कोई सेंटी नहीं है,
आज से 30 साल पहले बता रहा हूँ, जब फूलकोभी खाना पकाया करता था वो पूरा बस्ती में सेंट निकलता था, वो 2-4-10 घर खबर मिलता था इस घर में फूलकोभी का सब्जी बना है, ठीक है ना, मूली का सब्जी जो जिस घर में बनता था सेंट निकल जाता था। आज कहा गया सारा का सारा रासायनिक खा गया, तो ही रासायनिक का चीज़ खाते खाते तो फिर आदमी का हालत क्या हो रहा है और मिट्टी का हालत क्या हो रहा है बताइए। ये जीवन एक ही बार मौका मिला है, सिर्फ और सिर्फ कितना साल के लिए, 120 साल के लिए, 120 साल आदमी का उम्र होता है, लेकिन आज आदमी 18, 19, 20, 50 साल, 60 साल के अंदर इस दुनिया को टाटा कर रहा है। तो हम भी अगर आदमी होने के नाते समझदार हो गए तो हम जी सकते हैं 120 साल, ठीक है ना। हमें मेल न्यूट्रिशन को दूर करना है, जो कमी है कमी को पूर्ति करना है, कैसे, नेचुरली। इसीलिए मैं दिखाता हूँ हर वीडियो में, ये चीज़ से, ये कलयुग का अमृत से आपका पूर्ति हो जाएगा। ये मेरा कहना नहीं है, मैं साइंस और टेक्नोलॉजी मानते हुए ये टॉपिक को बनाया नेचुरली। सारा साइंटिस्ट बता चुका है हाँ ये इंग्रेडिएंट में ये मिलता है, तो इसीलिए मैं बताया। स्क्रीन वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, और बना नहीं पाएंगे तो मुझसे लेने का कृपया ज़रूर कीजिएगा। इसका तो हम घिस घिस कर साफ कर देंगे, इसका ग्लास जो है सारा, हम कितना भी टेक्निक हो कुछ भी हो घिस घिस कर पूरा साफ कर देंगे, नया बनाएंगे। तो जब नया बनेगा ये ग्लेस से पिक्चर नया नहीं बनेगा तो मोटा मोटी उसका नज़दीक तो जाएगा। सोचिए, आपको बदलने का ज़रूरत नहीं है ये यूनिट, ठीक है। कभी कभार ये कैमरा यूनिट जल्दी फोगी हो जाता है, कैमरा यूनिट जब फोगी हो जाएगा तब उसको बदलने का कोशिश करेंगे। और ये कैमरा यूनिट भी रिपेयर होता है, अगर आपको हो गया ऐसा प्रॉब्लम मेरे पास भेज दीजिए, मैं बना दूंगा। ये है आदमी का और ये प्रोजेक्टर का हेल्दी रहने का सीक्रेट। तो ये जब नया बन जाएगा घिस घिस कर जो जो उठेगा वो उठा कर सब कर देंगे। देखिए ये भी उठेगा, ये भी उठेगा, ये भी उठेगा, ये देखिए उठता है, लेकिन एक एक करके, हर को एक ही साथ खोल कर नहीं लेना है, समझिए, एक एक करके साफ करना है जो जो उठेगा। जो नहीं उठेगा उसको उठाना नहीं है, वो वही से साफ करना है सीक्रेट, तभी आपका प्रोजेक्टर ठीक ठाक चलेगा। समझिए, साफ करना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपको सीक्रेट जानना जरूरी है। सीक्रेट जब पता चलेगा तभी आप कर पाएंगे। तो देखिए अभी दूसरा रीजन क्या बताया, टॉक्सिन। टॉक्सिन कहाँ से आता है, हम जो खाना खा रहा है मेल न्यूट्रिशन, उसमें तो न्यूट्रिशन कम है ही, लेकिन साथ में टॉक्सिन है ना, यूरिया, डीएपी, पोटास, ब्रोमर, जितना फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, फंगिसाइड है। जैसे मैंने कल्टिवेशन का वीडियो दिखाता हूँ, ये देखिए दिवाली के दो दिन मैंने दिवाली में बिजी था, इसको उठाने का भूल ही गया, लेकिन थोड़ा पीला पीला हो गया ना, लेकिन अभी भी इसका बहुत मीठा है और अंदर अभी भी कच्चा है, कोची है जिसको बोलते हैं, कोची है मतलब बुढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल कलर है, ये ऐसा ही खा सकते हैं डायरेक्ट, बहुत फटाफट मीठा है, क्योंकि मैंने रूट में तो गलत किस नहीं, मैं रूट में गलत किस नहीं दिया ना, मीठा कैसे नहीं होगा, जबरदस्त। अभी देखिए ये जो इसका जो दाना है मतलब सीड है, अभी तक बड़ा नहीं हुआ, और छिलका के साथ खाएंगे कितना काम होगा, आपको लाइव चबा के दिखाया, धोने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट उठा के लाया हूँ शाम को, आज देकर गया, अरे मतलब भूल गया था, और दो दिन पहले उठा था, और मज़ा लगता, क्योंकि ये थोड़ा कच्ची रहेगा खाने में बहुत मज़ा, लेकिन ये भी मज़ा है, बैच फेंकने वाला नहीं है। तो ये फूड इज आवर बेस्ट मेडिसिन, इसमें पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन है। तो लेकिन आपको अगर हमें बाकी खाना से अगर न्यूट्रिशन पूर्ति नहीं हो रहा है, मेल न्यूट्रिशन, और साथ में वो रासायनिक जो घुस रहा है बॉडी के अंदर, ये बॉडी 6 महीने में बीमार नहीं पड़ता, सालों भर आप ऐसे ही गलती करते 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 अंदर से आदमी बीमार पड़ता है, क्योंकि ये बॉडी लोहा लश्कर से नहीं बना, सेल से बना है, सेल को चाहिए न्यूट्रिशन,
प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर। ये कंप्लीट खाना अगर हर रोज हम देंगे, बॉडी के अंदर जितना टॉक्सिन क्रिएट होगा वो एंटीऑक्सीडेंट का माध्यम से हर रोज खाएंगे, वो लेक्टिन और यूरिन के माध्यम से टॉक्सिन रोज का रोज टॉक्सिन भाग जाएगा। तो भाग जाएगा तो अंदर बीमार पैदा नहीं कर पाएगा, और जो शॉर्ट न्यूट्रिशन हो रहा है आपका, मेल न्यूट्रिशन हो रहा है, वो भी पूर्ति कर देगा। कौन करेगा? ये नेचुरल चीज़ है, किस चीज़ से बनाया हूँ, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करके बता रहा हूँ। जो इन स्क्रीन वाला वीडियो ठंडा दिमाग में फुर्सत निकाल के देखिएगा, हाँ, लगभग 57-58 मिनट का वीडियो है। अगर थोड़ा काट काट के देखेंगे ना मेरा ये वीडियो, अगर आप काट काट के देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई कोई आदमी स्किप करके करके देखता है, देखना ही नहीं है, छोड़ दीजिए, समझिए। आप वो फ्रॉड वाला वीडियो जो दिल्ली वाला देखा था ना, ये है 2023 का आने वाला टॉप प्रोजेक्टर, 4K प्रोजेक्टर, अंधेरा में ALR स्क्रीन से आपको पिक्चर दिखाएगा। अरे इतना सुंदर, और मैं लाइव दिखा चुका हूँ, दिवाली के दिन वीडियो डाला था, इतना लाइट के अंदर चकाचक 4K पिक्चर दिखाया, उसको बोलते हैं 4K पिक्चर। ठीक है, आदमी को गुमराह नहीं करता हूँ, और बहुत सारा सीक्रेट आ रहा है। तो सब्सक्राइब करना ना करना आपका बात है, करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पास जाएगा, वीडियो देखेंगे, नॉलेज बढ़ेगा। मैं वर्ल्ड वाइड नॉलेज गैदर करता हूँ और दोस्तों को शेयर करता हूँ। अगर नॉलेज चाहिए हर वीडियो कंप्लीट देखना है, और हेल्थ का प्लान अगर आप भूल गए, आपका जीवन जहन्नुम में जाएगा, जीवन में सफलता कभी नहीं होगा। आप करोड़पति हो, बिलेनियर हो, ट्रिलेनियर हो, कुछ बहादुर नहीं है, आत्मअहंकार कुछ नहीं है। ठीक है, अगर होता इरफान खान, देखिए इरफान खान कितना करोड़ों का मालिक था, कैंसर हुआ था, लंदन अमेरिका जाकर ट्रीटमेंट करके बच नहीं पाया, अगर बचता तो वो पैसा से बच जाता। सोचिए, प्रूफ बोल रहा हूँ। धीरूभाई अंबानी के पास पैसा कम नहीं था, सिर्फ रुपया कमाने का प्लान है, हेल्थ का प्लान नहीं है। और ये देवव्रत अधिकारी, प्रोपाइटर ऑफ प्रोजेक्टर मॉल, इनके पास है, मेरे पास है योर हेल्थ एंड वेल्थ कंप्लीट केयर मैनेजमेंट प्लान। कोई आकबा नहीं फैला रहा हूँ, अहमियत दीजिए। आप सबसे पहले हेल्थ का सब्जेक्ट एक्सेप्ट कीजिए, मैं जो फार्मूला दिखा रहा हूँ, इससे अगर सस्ता कोई रास्ता है ज़रूर मुझे फ़ोन करके बताइएगा, सर आपसे भी सस्ता रास्ता मिला है। मैं एक चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, मैं जो फार्मूला दिया हूँ इससे सस्ता और अच्छा रास्ता नेवर कोई दे नहीं पाएगा, गारंटी बोल रहा हूँ। आप छानबीन करके देखिए, पहले हेल्थ आफ्टर देन वेल्थ, नॉलेज लीजिए प्रोजेक्टर का। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा, इसको सावधानी से, एकदम अर्थिन ना लगे बॉडी में, बिना अर्थिन लगाते हुए ये टच जब करेंगे, जब बैठाएंगे, फिर हाथ का टच से नहीं, वो जो कपड़ा मैंने बताया था, वो कैमरा का जो स्पेयर पार्ट बिकता है उसी दुकान में वही कपड़ा मिलता है, क्योंकि वो कैमरा का जो लेंस है वो साफ करने के लिए उसी कपड़ा चाहिए, और साथ में ऑर्गेनिक क्लीनर ही यूज़ करना है। ये ऑर्गेनिक क्लीनर बाज़ार में भी मिलता है, मेरे पास भी मिलता है, मुझसे भी ले सकते हैं, ये मेरा फार्मूला में बनता है। इसका प्राइस है 800 रुपीज़ एक बोतल का। आप इसका साफ करेंगे तो 10-20 साल, इसका 100 साल रहेगा फिर भी खराब नहीं होगा, ऑर्गेनिक चीज़ है, इसका कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है, तो अच्छा चीज़ है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अल्कोहल कुछ भी व्यवहार मत कीजिए इसमें साफ करने के लिए, ऑर्गेनिक क्लीनर, तभी तो आपका प्रोजेक्टर चमकेगा। ठीक है ना, तो दूसरा किसी भी मेरा यास कलेक्शन नहीं है, कोई टाइल्स का टुकड़ा में अगर काला लगता है, एक ड्रॉप देकर घिसेंगे तो साफ होगा, मैं डेमो दिखाऊंगा किसी दिन कि कितना पावरफुल है, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं है इसका, कोई नो केमिकल ही है, ये ऑर्गेनिकली है, पेड़ पौधों का शीट से बना है। तो दोस्तों तो अभी इसको फिटिंग करना ज़रूरी है, जैसे खोला था शांति से साफ, आपको साफ करने का टेक्निक बता दिया, समझदार आदमी के लिए इशारा ही काफ़ी है। ठीक है, वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ, अभी धीरे से इसको बिठाऊँगा। देखिए ये जब, देखिए खोलने का सीक्रेट अलग है, बैठाने का सीक्रेट अलग है, तो कैसे बैठेगा, यहाँ पे चैनल है, ये जो तीन पॉइंट है, तीनों का तीनों चैनल में घुसेगा तभी ये बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा।
देखिए सबसे पहले मैं चैनल फॉलो करूँगा, ये चैनल में ये सारा घुसाऊँगा तभी ये बैठेगा। देखिए ये देखिए धीरे से एकदम लॉक टू लॉक पॉइंट टू पॉइंट एकदम देखना है, थोड़ा 19-20 होगा तो क्लास टूट जाएगा, सावधानी से करना है। अगर नहीं कर पाएंगे गलती से भी ये मत खोलिए। देखिए बैठाना एकदम इजी है, खोलना जितना कठिन है बैठाना एकदम इजी है। ये देखिए एकदम दब गया, ये देखिए बैठ गया बैठ गया बैठ गया। देखिए जब बैठेगा तो भी तो काम होगा। और यहाँ पे दो नाट के ऊपर ये ढक्कन है, ये ढक्कन काम यहाँ पे जो लैम लगता है सीक्रेट को देखिए, ये जो लैम लगता है ना यहाँ पे, ये कंप्लीट लैम का लाइट इधर से गुजरता है तो कितना पावरफुल लाइट आता है देखिए। लेकिन ये क्लास जल्दी से जब कमजोरी हो जाता है, ये प्रिज्म जब कमजोरी हो जाता है ऑटोमेटिक पिक्चर धुंधला हो जाता है। ये कंपनी का चालाकी है, ये कंपनी क्या DLP प्रोजेक्टर बना नहीं पाएंगे? पाएंगे लेकिन करेगा नहीं, कहीं क्यों नहीं करेगा? अगर DLP प्रोजेक्टर बना देगा तो इससे उनका ज़्यादा फायदा है तो क्यों बनाएगा, ठीक है ना। अभी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ LED प्रोजेक्टर मत लीजिए मत लीजिए, क्यों? LED प्रोजेक्टर जो लेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिसका नसीब अच्छा है 1 साल जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलाएगा जो, और जो ज़्यादा करके चलाएगा 1 महीने से 6 महीने के अंदर प्रोजेक्टर डूब जाएगा। क्यों? उसके अंदर जो लैम्प रहता है ना, लाइट जो जलता है, LED जो बोलता है, LED का मतलब क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, LED लाइट एमिटिंग डायोड। देखिए यही चीज़ जलता है, इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपया। तो 20 रुपया का बल्ब चलता है, बाकी इसमें एक चुंगा होता है 4 कोना वाला, इसको फोकस को आगे भगाने वाला, साथ में प्लास्टिक का ग्लास लगा हुआ होता है तो जो पिक्चर को थोड़ा बड़ा करने का, वो कैमरा यूनिट से आगे भगाने का, और एक फैन रहता है इसको थोड़ा ठंडा देने के लिए प्रोसेसर को, हीट सिंकर को, और इस साथ में एक पावर सप्लाई है ये सारा ऑपरेटिंग करने के लिए, साथ में एक छोटा सा मेन बोर्ड रहता है। मैक्सिमम खर्चा कितना होगा कंपनी का? 1200 रुपया मैक्सिमम बोल रहा हूँ। तो वही चीज़ मिनिमम भाव क्या है? 5000 6000, उसी में थोड़ा बॉडी का आकार इधर उधर कर थोड़ा भारी बनाकर 20-24 हज़ार लाखों रुपया भी बेच रहा है तो कंपनी का ज़्यादा फायदा है उसमें। इसीलिए कंपनी इतना प्रमोटिंग करा है, इतना ऐड दे रहा है, क्योंकि अनबिकाऊ चीज़, ठीक है, वो सेलिब्रिटी से एडवर्टाइज कराएगा तभी तो आदमी इंडिया का आदमी बुद्धू है, तभी तो इंडिया भिखारी है। अगर सब चालाक हो जाता तो ये रिचेस्ट कंट्री नहीं बन जाता। अमेरिका में सिर्फ 33 करोड़ जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, तो अमेरिका आयतन में थोड़ा बड़ा है इंडिया से, लेकिन आयतन से बड़ा होने से ऐसा नहीं है, वहाँ का जो आदमी है बहुत टैलेंटेड है, 70% नेटवर्किंग करता है, और आदमी इंडिया में नेटवर्क से डरता है। नेटवर्क किसको बोलते हैं एक बार देखिए, कौन सी प्रोजेक्टर मामले में कितना भरोसा करता है देखिए। दो अंडा दिया एक पंछी, दो अंडा दिया, ठीक है, कोई कोई 3-4 अंडा भी देता है, लेकिन ये जो मैं दिखा रहा हूँ दो अंडा दिया, दो अंडा से थोड़ा गर्म देते देते दो बच्चा भी बनाया। वो दो बच्चा अगर दोनों लड़की होगा, बच्चा फीमेल बर्ड होगा, तो दो से दो दो करके बढ़ेगा, ये भी नेटवर्किंग है। आदमी का भी बीवी होता है, बच्चा होता है, लेकिन हम एक हमारा दो ऐसा होता है कॉन्सेप्ट, मतलब हमारा हम दो हमारा दो यही है कॉन्सेप्ट। तो नेटवर्किंग आदमी भी करता है तो, लेकिन अगर बिजनेस में अगर मुझे पर डे 1000 रुपया मिलता है, अगर मैं कोई गरीब या जिसके ज़रूरत है उसको अगर मैं वो अपॉर्चुनिटी देता हूँ, भाई घर बैठे 1000 रुपया आता है ले लो, ये क्या नेटवर्किंग है? मैं एक आदमी का अच्छा कर रहा हूँ, ये नेटवर्किंग है क्या? मेरा एक इशारा से एक परामर्श से एक आदमी का जीवन संवारेगा, ये क्या नेटवर्किंग है? मुझे एक पैसा देने का चक्कर नहीं है,
फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आदमी का भला जो करने का सोचेगा नहीं, उसका भला कैसे हो सकता है बताइए। एयरटेल हो, रिलायंस हो, वोडाफोन हो, वोडाफोन आइडिया बन गया अभी, जो नेटवर्किंग कर रहा है, बोल तो रहा है 4G, लेकिन सप्लाई दे रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1G, बाकी चोरी कर रहा है। चोरी का पैसा कहाँ पे जाएगा? देखिए परिणाम, धीरू भाई अंबानी कितना भुगते भुगते मर गया। पैसा क्या कमी था? अगर पैसा से हेल्थ को बचा सकते थे तो बचा नहीं लेते, बचा नहीं पाया। तो दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ, एट फर्स्ट हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ का अहमियत दीजिए, नहीं तो आपका पैसा आपके साथ भी वही होने वाला है। तो इसीलिए बता रहा हूँ, प्रोजेक्टर मॉल का कॉन्सेप्ट में आ जाइए, सुनिए, देर मत कीजिए, सुबह से शीघ्र, ठीक है। अभी देखिए मैं इतना सीक्रेट क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो रहता है, ये जो सेट हुआ है, इसका नाक कहाँ पे टाइट होता है ये जानना जरूरी है ना। जब आप जानेंगे तभी तो काम कर पाएंगे, नहीं तो कैसे काम करेंगे। अभी खोल के दिखाता हूँ इसका नाट कहाँ पे लगता है, किस में लगता है। जब आप जानेंगे तभी आप एकदम शिद्दत से काम कर पाएंगे। देखिए, लेकिन मैं जो ये मोटा मोटी आधा घंटा पौने घंटा का वीडियो बनाता हूँ, आदमी लोग काट काट के देखता है सिर्फ 5-6 मिनट। क्या खाक सीखेगा, क्या सीखेगा? जिसके दिमाग में सीखने का इच्छा ही नहीं है, वो जिंदगी में सफल नहीं बनेगा। और मेरा सफलता का मूल कारण है, मेरा अंदर सीखने का इच्छा था। तो सीखते सीखते ही आज फुटपाथ से ऑनलाइन आया, आगे सपना टारगेट लिया, मैं करोड़ों आदमी को करोड़पति बनाऊंगा, हेल्दी बनाऊंगा, और वेल्दी ऑटोमेटिक बनेगा। नशा होना जरूरी है, ठीक है ना। जो रात को वाइन पीता है ना, उसको हर रोज़ धीरे धीरे नशा बन जाता है। लेकिन जो ओकेशनली होता है वो भी बुद्धिमानी है। लेकिन आप ओकेशनली खाइए और डेली खाइए, डेली पिए नशा, तो पीने से पहले इसका एक चम्मच लेना जरूरी है। एक चम्मच 10 मिनट पहले लेना है 2 घूंट पानी से। इसका पहले का वीडियो मैंने खाने का ढंग दिखाया था, देख लीजिएगा, भूलना नहीं। अगर करते हैं, अगर नहीं करते तो आप बहुत धन्यवाद, आपको बहुत, आपका लाइफ 4 चांद लगेगा। लेकिन कंप्लीट वीडियो देखना है तभी नॉलेज बढ़ेगा, नहीं तो क्या होगा। ये देखिए कहाँ पे लगता है, इसमें वो स्क्रू फंसता है, ये देखिए इसी में वो स्क्रू फंसता है लैम्प का। तो कंपनी क्या किया, टेक्निक करके दिया, अगर आपने ये खोलते खोलते ये खो दिया तो बाद में लैम्प का नाट नहीं लगेगा। ये सीक्रेट आज तक तो किसी ने दिया, मैं जितना सीक्रेट दिया आज तक तो इतना सीक्रेट भी नहीं दिया। और मैं एकदम A to Z आदमी का कमी रहना है, मतलब कमी ना हो आदमी का, कोई भी आदमी उल्टा सीधा भूल गलती ना करे, भूल चूक ना करे। और यहाँ पे आयरिश का मोटर होता है, आयरिश का मोटर के लिए वो कभी कभार मैसेज आता है, ये सर्विस सेंटर लेना ज़रूरी है या तो शट डाउन हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे इसका शटर है, ये यही शटर का खोलने लगाने का काम करता है ये आयरिश का मोटर। आपको जानना ज़रूरी है, जो ये मोटर अगर सेंसिंग नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, अंदर सेंसर है उसको साफ करना ज़रूरी है। एकदम पूरा सीक्रेट बता रहा हूँ। तो ये जो चीज़ यहाँ पे दिया है, इसको क्यों दिया है यहाँ पे ऐसे बैठाने का, मतलब यहाँ पे जो साइड है, ये जो साइड है, ये जो लैम्प का स्क्रू है वो ना गिर कर खो ना जाए, इसीलिए ये ढक्कन है इधर। और ऊपर वाला ये आयरिश का जो मोटर का जो शटर होता है, जो खोलता है बंद होता है, उसको ना देखे और अंदर कुछ ना गिरे, इसके लिए उसको ढक्कन कवर दे दिया। समझे ना टॉपिक को, क्यों दिया? तो इसीलिए बता रहा हूँ, कभी कभार आयरिश का मोटर का कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसका खोलना लगाना दिखा दूंगा। जितना अनकॉमन प्रॉब्लम आता रहेगा मैं वीडियो शेयरिंग करता रहूँगा, इसीलिए बता रहा हूँ। आप अगर मुझे फ़ोन करते हैं, एक लाइक कमेंट नहीं करते हैं, तो आप क्या मुझे फ़ोन करने का लायक होते हैं? एक बार खुद से आप क्वेश्चन कीजिए। मैं इतना शिद्दत से, इतना मेहनत करके वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब भी नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और एक लाइक भी नहीं किया, कमेंट भी नहीं किया, और मुझे फ़ोन कर रहे हैं, तो ये ठीक है क्या? मैं उस दिन एक
दोस्त को ऐसे बोला था, पूछा था सर आपने ये ठीक किया, मैंने पूछा डायरेक्ट, मुझे आप कॉल किया सर मुझे नर से नर सब किया, हाँ सर भूल गया, कैसे ये बोलते आप कर सकते हैं, मुझसे सलाह मांग रहे हैं लेकिन मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया, ये मैं क्या हवा खा के काम करूँगा, मुझे भी तो खाना चाहिए, पेट अगर ऊपर वाला दिया है तो सोचिए। तभी तो दोस्तों मैंने पूरा एकदम बात करते करते पूरा फिटिंग कर दिया, और मैंने बताया था ना ये स्क्रू कहाँ पे रहता है, ये जो वॉशर नाट है ये कहाँ पे रहता है, गिर गया ना, मैं ये लगा लेता हूँ दिखाऊंगा, ये देखिए एकदम धीरे से, ये देखिए चैनल टू चैनल बिठाना है, बिठाने के बाद आपको ध्यान में रखना है, देखिए जब भी ये इधर इधर करेंगे सारा स्क्रू का जो वॉशर होता है इसी में नाट लगता है, ये गिर कर पड़ जाता है, तो कैसे पड़ता है, ये रहता है यहाँ पे डाई बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे रहता है, देखिए यहाँ पे रहता है, मैंने डाल दिया आप ही के सामने, और उसके बाद जब आप नाट लगाएंगे ये नाट उसी में ही लगेगा, तो गिर कर अगर खो गया तो हम नाट भी नहीं लगा पाएंगे, आपका प्रोजेक्टर फिटिंग भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये देखिए मैं पहले हाथ से लगा लेता हूँ, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दूंगा, मैं हल्का इतना अवेयरनेस देता हूँ, मैं छोटे टाइम से ये क्लास 4 में हुआ था, मेरा इस हाथ में रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ था, गलती डॉक्टर का था, उसको नॉलेज नहीं था फिर भी राजी हुआ था, पैसा के चक्कर के लिए मुझे ऑपरेशन कर दिया है, छोटे टाइम में 2.5 साल उम्र में मुझे दाहिने पैर में रॉन्ग ट्रीटमेंट कर दिया था, ये क्लास 4 में हुआ था, तो दो बार रॉन्ग ट्रीटमेंट होने के नाते भी मैं उसी अवस्था में आज आपको हेल्थ का अवेयरनेस दे रहा हूँ। दोस्तों जग जाइए, नहीं तो आप बीमार पड़ेंगे तो आपके साथ कभी कभार रॉन्ग ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर आप बीमारी नहीं पड़ेंगे तो रॉन्ग ट्रीटमेंट कहाँ से होगा, और ट्रीटमेंट करने का ज़रूरत ही क्या, ठीक है ना। तो बीमार क्यों पड़ता है अभी दो रीज़न, और ये प्रोजेक्टर क्यों बीमारी होता है, धूल और धुआं और गलत ऑपरेशन, आदमी चलाने का ढंग नहीं जानता, गलत उल्टा पुल्टा चलाकर प्रोजेक्टर खराब करता है, और जाता है सर्विस सेंटर लूट लेता है, ठीक है ना, आपका पैसा लूट लेता है, सोचिए। और मैं आदमी लोगों को जगाने का कोशिश कर रहा हूँ, आपका पैसा ना लूट पाए, आप फ्रॉड चीज ना ले, एलईडी प्रोजेक्टर गलती से भी ना ले, और एलसीडी प्रोजेक्टर भी गलती से ना ले, एक बार ले लिया गलती कर लिया, गलती सुधार डालिए, गलती को सुधार डालिए, आगे से डीएलपी प्रोजेक्टर लिया कीजिएगा, अगर डीएलपी प्रोजेक्टर से भी कुछ अच्छा चीज़ आ जाए मैं ज़रूर उसके ऊपर सबसे पहले अवेयरनेस दूंगा, निश्चिंत रहिए। देखिए लगा दिया, पूरा फिटिंग हो गया, अभी मैं प्रोजेक्टर को फिटिंग करूँगा, साथ में रहिए। अभी देखिए इतना तक तो दिखाया था खोलना लगाना पूरा, अभी इसी में आज ये फिटिंग कर दूंगा, ये देखिए एकदम बढ़िया से वायरिंग पूरा देखना है, अंदर नीचे किसी भी तरह फंस ना जाए, वो शांति से देख लेना है, क्योंकि अगर वायर नीचे फंस कर रहेगा तो बाद में फिर आपका फिटिंग में दोबारा खोलना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए सावधानी से इसको धीरे से बिठाना है, एकदम चैनल टू चैनल बिठाना है, बढ़िया से देखिए बिठा कर जितना नाट है लगा देना है, बैठ गया, अभी नाट लगाना किया दिखाऊं, शॉर्ट करता हूं वीडियो को, अभी यहाँ पे जितना स्क्रू है ये लगा दिया, अभी मेन बोर्ड लगाना है, मेन बोर्ड कैसे लगाएंगे, सबसे पहले वायर वायर को थोड़ा देख लेना है, इसके नीचे रहने जाए, और धीरे से बिठा कर लॉक टू लॉक पॉइंट टू पॉइंट जैसे था ऐसे बिठा लेना है, और जब भी बैठेगा एकदम मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ, सबसे पहले ये बीच वाला ट्रिजम का पत्ता जिसका है ग्रीन,
इसका निकाल लेना है बाहर से, उसके बाद दोनों साइड का धीरे से निकालना है। देखिए निकल गया, देखिए निकल गया। अभी शांति से ये वायर को देख लेना है, नीचे फंस ना जाए, और धीरे से सारा स्क्रू को लगाना है। उसके बाद जितना कनेक्शन है वो भी लगाना पड़ेगा। ये देखिए सुंदर से एकदम बैठ गया। अब इसकी स्क्रू लगाएंगे, और सबसे ज़्यादा सीक्रेट जो है ये पॉइंट को लगाना सबसे सीक्रेट है। इसको टिश्यू पेपर से बढ़िया से साफ कर लीजिएगा, साफ करके इसको धीरे से ऐसे घुसाना है, और ये काला वाला लॉक जो है इसको दबा देना है धीरे से। देखिए फंस गया, ऐसे ही तीनों लगाना है। लगा लेता हूँ, साथ में रहिए। और उसके बाद स्क्रू जितना है इसको लगाना है, और ये जितना जैक है सारा लगाना है। एक के साथ एक मिसिंग नहीं है, डोंट वरी लगा पाएंगे। मैं लगा लेता हूँ, साथ में रहिए। देखिए दोस्तों ऑलरेडी मैंने स्क्रू सारा लगा दिया। अभी ये बाकी जो है ये भी आपको लगाना दिखा देता हूँ। देखिए धीरे से घुसाया, पहले ये लॉक उठा है या नहीं है उठा है फॉलो करना पड़ेगा। अगर उठा है तो धीरे से इसको डालना है और दबा देना है, ये भी चेक कर लेना है। और धीरे से अंदर से ये फंसाएंगे। ये देखिए एकदम आसानी से हो गया। अभी जितना जैक है सारा लगाना है, एक के साथ एक मैचिंग नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। सीरियल बाय सीरियल लगा के चाहिए, हो गया। ये देखिए एकदम लाइव दिखा रहा हूँ, आप ज़रूर कर पाएंगे। निश्चिंत होके अपना प्रोजेक्टर बना लीजिए। देखिए दोस्तों एकदम बढ़िया से, जैसे जैसे एकदम लपेटा लपेटा कंपनी जैसे बनाया था, एकदम घुमा घुमा कर सारा वायरिंग को फिक्स कर दिया। अभी लैम्प को लगा देना है। लैम्प बाद में भी लगा सकते हैं, ढक्कन लगा कर कोई बात नहीं, जो लगाना पड़ेगा लगा देता हूँ। अभी नट वहीं पे टाइट हो रहा है, जो मैंने व्हाट्सएप दिखाया था उसी में फंसे जा रहा है। देखिए लगा दिया एकदम शांति से। अभी ढक्कन लगाना बाकी है, फिल्टर लगाना बाकी है, हो गया, ईजी है। साथ में रहिए, एकदम फिटिंग करता हूँ। ये फिटिंग से पहले सबसे पहले ये बैक साइड लगाना है, पीछे वाला एकदम ईजीली टोपिक टू टोपिक जहाँ पे था पॉइंट टू पॉइंट बैठा देना है। अगर कोई प्रॉब्लम करेगा तो एक स्क्रू भी लगा सकते हैं, फिर दिक्कत नहीं करेगा, खुलेगा भी नहीं। देखिए लगा देता हूँ, ये जब भी बैठ जाएगा आपको धीरे से ये जो नट लूज किया था खोलने के टाइम, इसको टाइट कर देना है, तो ये हिलेगा नहीं। अभी ऊपर का ढक्कन लगाएंगे, और सबसे पहले ये पैनल को लगा लेना है। पैनल लगाने से पहले इसको थोड़ा उठा लेना है, ये नहीं उठेगा तो पैनल नहीं लगेगा। ये देखिए इसका पैनल लगा लेना है। पैनल कैसे लगाएंगे देखिए, आपको क्लोज करके ही दिखा देता हूँ, सीक्रेट बता देता हूँ, नहीं तो ऐसे खड़ा करके मैं कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये फिसला हुआ जगह है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपको भी ये फिसला हुआ जगह में काम मत कीजिए। तो धीरे से देखिए सीक्रेट के साथ मैं बता बता कर आपको करता हूँ। इसको धीरे से सावधानी से ये लॉक के अंदर घुसा देना है, घुसा कर ये लॉक को नीचे से दबा देना है, बस हो जाएगा। ये लॉक हो गया एकदम आसानी से, हो गया। और धीरे से इसको बिठा दीजिए। बिठाने के बाद ये पीछे से थोड़ा ऐसे हटाएंगे, ये देखिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट बैठ गया। आपको अगर लगे ऊपर का ढक्कन बैठाने के बाद ये पीछे वाला कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये ऊपर वाला साइड जो है, ये बैक का जो साइड है इसका ऊपर ही रहता है और ये नीचे रहता है, तो एक बार में टाइट कर देंगे तो मुश्किल होगा। ये देखिए दोस्तों जब ये ऊपर वाला लगेगा, उसके बाद इसके ऊपर से ये बैक वाला लगेगा, नहीं तो फिटिंग नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर से एकदम इसको पूरा कवर करके रखता है। और ये जब लगेगा बैक ऊपर वाला साइड भी पूरा मजबूत होकर बैठे जाएगा। ये देखिए एकदम पूरा फिटिंग हो गया। अभी सिर्फ स्क्रू लगाना है, स्क्रू लगाना और क्या दिखाएंगे, स्क्रू लगाना है, ये इसको लगाना है। देखिए एकदम ईजीली सारा काम। और ये फिल्टर लगाना है, देखिए फिल्टर कैसे था, जैसे था ऐसे ही बिठा देना है। और जितना स्क्रू है जैसे जैसे था, खोलने का वीडियो एक बार देख लीजिएगा जरूर,
ये ढक्कन बाद में लगाना है क्योंकि यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू लगाकर लगाना है, और ये ढक्कन लगाने से पहले जितना स्क्रू है वो लगाना है। तो मैं लगाऊंगा, तो मैं वीडियो चाहा था आधा घंटा में ख़त्म करूंगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि बीच में मैंने हेल्थ घुसाया, ज़रूरी था। तो दोस्तों आपको जगाने के लिए मैं ये काम किया, तो उम्मीद करता हूँ मेरा समझाने का टॉपिक आपको ज़रूर अच्छा लगा है। तो प्लीज़ ये वीडियो को हर व्यक्ति को शेयरिंग करके एक ऑर्गेनिक बीमार मुक्त समाज बनाना है। ये धरती माता को सुधारने के लिए मदद जरूर आना है, आपको मदद करना है ये धरती माता के लिए, आपका जीवन को काम में लगवाना है ये धरती माता के लिए, और इंडिया वर्ल्ड में नंबर वन रिसर्च कंट्री बने ये मकसद भी हमें करना ज़रूरी है। हम प्राउड फील करते हैं आई एम ए इंडियन। तो दोस्तों मल्टी टॉपिक यही छोड़कर मैं यूट्यूब चैनल का माध्यम से दुनिया को जागरूक करने में बहुत कोशिश कर रहा हूँ दिल से। तो आप भी मेरा मदद करेंगे ये उम्मीद के साथ। आपको मेरा फिर से नमस्कार कंप्लीट वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों को शेयरिंग करके प्लीज़ एक वीडियो में लाइक कमेंट्स करके वीडियो को वायरल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा सफलता उद्देश्य नहीं है, सफलता पूरा दुनिया पूरा धरती माता चारों तरफ मिला जुला के सफलता बनना है, आपको भी सफल बनना है ये मल्टी टॉपिक के माध्यम से। तो दोस्तों आज के लिए टाटा, आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे, थैंक यू।